यूक्लिड ज्योमेट्री। चलो इंट्रोडक्शन में पॉइंट बोलो क्या क्या है। देखो सर जी, इसको कहते हैं पॉइंट, नहीं पता है। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, नो एनी थिंग। दिस इज ओनली अ डॉट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द पॉइंट। ठीक है, चलो आप लाइन सेगमेंट देखो। एक लाइन ड्रॉ की है तो देखो, एक ये सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो लाइन सेगमेंट की पहले लाइन समझ जाओ। एक ऐसा लाइन सेगमेंट है चीज़ जो जिसका कि एंडलेस है, जिसका कोई एंड है ही नहीं, जो जहाँ तक चाहो बढ़ता चला जाएगा, ये लाइन कहलाता है। और लाइन का ही जो एक टुकड़ा होता है ना, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और समझ आ रहा है जी? देखो इसी में से तोड़ के यहाँ लिख दिए, लाइन सेगमेंट बन गया। और क्या है? रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंडलेस पॉइंट होता है। देखो एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा लाइन, इसको रे कहेंगे। और बोलो क्या है? हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। नहीं पता है? हैं, आधा लाइन। देखो एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है, दिख रहा है? एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रा होगा हैं। और इसी पॉइंट, इसी दोनों पॉइंट की जगह तीसरा पॉइंट आ जाए जिससे एक लाइन कंप्लीट ड्रा हो जाए, तो इस पॉइंट्स को ए बी और सी तीनों पॉइंट्स को मिला के कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। बस समझ आया कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है? कॉन्करेंट पॉइंट्स उस पॉइंट को कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन उस लाइन को कहते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है, इसको कॉन्करेंट, इसको ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। लेकिन दो लाइन से ज़्यादा, ये तीसरा लाइन भी इसी पॉइंट से कटे ना, इसको कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे। और बोलिए क्या है? पैरेलल लाइन। नहीं पता है? ठीक है, दो एंडलेस लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, वो आपका पैरेलल लाइंस कहलाता है। हैं, प्लेन है, एक पर्टिकुलर एरिया जो खाली पड़ा उसको प्लेन कहेंगे। और क्या है? खत्म कहानी, भैया समाप्त। एक्जियोम, हाँ जी, एक्जियोम स्टेटमेंट एंड थ्योरम तीन चीज़ हैं। एक्जियोम स्टेटमेंट एंड थ्योरम, तो एक्जियोम वे होता है ना जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सॉरी हाँ सॉरी 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 अर्थ इज अराउंड द रिवॉल्व अराउंड द सन है, वो स्टेटमेंट वो कम्प्लीट ट्रू है। स्टेटमेंट क्या होता है? यह भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। जैसे इन वन वीक सेवन डेज राइट, इन वन वीक सिक्स डेज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट कहलाता है। और थ्योरम वे होता है जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है। समझ आ रहा है? कैसे हम लोग प्रूफ करते थे, मिड पॉइंट थ्योरम हुआ और जितना थ्योरम था सारा प्रूफ करते थे, ये डिफरेंस है तीनों में। और बोलिए, ख़त्म, बेसिक ख़त्म है। हैं, पॉस्टुलेट आपका स्टेटमेंट ही है एक, कहाँ पे है पोस्टुलेट? हाँ जी बिल्कुल, पोस्टुलेट स्टेटमेंट को कह रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, पकड़ो। हाँ है, अरे कोरोलरी वर्ड मीनिंग को कहते हैं कोरोलरी। हाँ हो गया, क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर वन बनेगा, क्वेश्चन नंबर टू भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर थ्री भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। सर, फाइव नंबर का एक को बता ही दिया जाए। क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड, वन रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर फिगर जो जो अप्रॉक्स रेक्टेंगुलर टाइप का बन रहा है, सी जी एफ ई, ये होना चाहिए। फोर कॉन्करेंट पॉइंट्स है, कॉन्करेंट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। हैं, कॉन्करेंट पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे सर जी जहाँ आपका दो पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है। जैसे आपका देखिए डी सी ई, जैसे आपका देखिए ए ई एफ बी, चार पॉइंट है जी बिल्कुल। कॉन्करेंट पॉइंट ना बोला है, कॉन्करेंट लाइन थोड़ी नहीं बोल रहा है। और बोलिए, इफ़ ए बी एंड सी आर द थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द, देखिए एक आपका लाइन बन गया एस ए बी, एक बन गया ए सी, एक बन गया आपका सी बी, हो गया खत्म कहानी। तो क्या कॉलिनियर पॉइंट्स है ए बी और सी,
इसका मतलब क्या है, तीनों एक ही लाइन से होते हुए जा रहा है। और सर इसको कैसे लिखेंगे? हाल है बना दिए तो क्या करोगे? एक ए बी बन गया लाइन सेगमेंट, एक आपका ए सी बन गया, एक आपका बी सी बन गया या सी बी बन गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। और है कुछ मन में? समाप्त है? हम तो पहले ही बोले थे कुछ है नहीं।